सो 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस पढ़ रहे थे कि होम्योस्टेसिस हम प्लांट के अंदर देख रहे थे कि कैसे प्लांट जो है वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है। प्लांट्स के पहले हमने फिनोमेना देख चुके हैं जिसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली गैसेज हैं जो स्ट्रोमेटा के जरिए से प्लांट बॉडी से आउट कर दी जाती हैं। अब सेकंड हमारे पास जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो कैसे इस प्लांट की बॉडी से रिमूव होता है। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं कि प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। दो तरीके हैं प्लांट के पास कि वो कैसे पानी को जो है वो ऑब्टेन करेगा। पहला ये है कि वो सॉइल में मौजूद जितना पानी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड जो तरीका है प्लांट के पास पानी को लेने का वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो वाटर है वो वाटर सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में भी प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्फ फॉर डाइजेस्टिविटी, ठीक है, प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने फंक्शंस के लिए अपने डाइजेस्टिविटी के लिए स्टोर कर लेता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है कि वो स्टोमेटा के जरिए डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव्ड आउट होती हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर कौन से प्रोसेस के जरिए होता है? वाटर के लिए स्पेशल एक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, प्लांट की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल का वेपर की फॉर्म में वेपर्स की फॉर्म में लॉस ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपायरेशन रात को नहीं होती, एट नाइट ट्रांसपायरेशन ही होती क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो वाटर कंटेंट अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाए, पानी के अमाउंट सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो फिर वाटर जो है वो रूट के अंदर मूव करेगा। रूट के अंदर मूव करने के बाद ज़ाइलम वेसल के अंदर स्टोर हो चुका होगा, एक्युमुलेट होता जाएगा वहाँ पे। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि इस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए प्लांट सरफेस की टिप्स पे या लीव्स की टिप्स पे वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो आउटसाइड मूव करवाते हैं ये ड्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है, ये वहाँ पे वाटर सरफेस लीव्स की सरफेस के ऊपर जो है वो कतरे की शक्ल में अपीयर हो रहे होते हैं। तो सो द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द टिप्स ऑफ लीव इज कॉल्ड ग्यूटेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स का लीव्स की टिप पे अपीयर होना है ड्रॉप की फॉर्म में, कतरों की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। ग्यूटेशन जो है वो अक्सर ग्रासेस के अंदर हो रही होती हैं, इन जो मैक्सिमम बहुत से घास होती हैं, घास जो है उसके अंदर ये ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है जो कि वाटर को एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो ग्यूटेशन है और जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिमिलर प्रोसेस नहीं है। ग्यूटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो सॉइल के अंदर से आ रहा है और रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट बॉडी के अंदर, वो पानी एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव जो है वो ग्यूटेशन के प्रोसेस के जरिए ड्रॉप की फॉर्म में किया जाता है, बॉडी से आउटसाइड मूव करवाया जाता है। लेकिन जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो सुबह के टाइम सहरी के टाइम जो एटमोसफेयर के अंदर एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस होकर वो ठंडे होकर जम कर जो है वो सरफेस के ऊपर गिरते हैं लीव्स की या प्लांट की सरफेस के ऊपर, तो वो एक ड्रॉप की शक्ल बनाते हैं जिनको हम शबनम बोलते हैं या ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। तो इस ड्यू ड्रॉप्स को और ग्यूटेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले ड्रॉप्स को मिक्स नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप जो हैं वो एटमोसफेयर से वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर प्लांट की सरफेस के ऊपर गिरते हैं, जबकि ग्यूटेशन के रिजल्ट में जो ड्रॉप्स बनते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया हुआ जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो प्लांट बॉडी में ज़रूरत नहीं होता उसको रिमूव आउट करने के लिए जो लीव्स की टिप्स पर ड्रॉप्स बनते हैं वो ग्यूटेशन के ड्रॉप्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की बॉडी से रिमूव किया जाता है। और काइंडली स्टूडेंट्स जो जो वीडियो आप लोग लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं नोट करते जाएं इनको और साथ साथ याद भी करें इसको।